हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं, आज कोई क्लीनिंग नहीं है, आज कुछ न्यू है। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, छोटा सा स्मॉल सा वीडियो है। तो आज हम बनाने वाले हैं, पहले हम बना लेते बेब क्रीम। तो ये बेब क्रीम का पाउडर है, हमने ना लिक्विड में नहीं लाया है, तो इसका पाउडर है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो इसको पहले फोड़ लेते हैं, इसके ना ये बने हुए हैं उल्टे जैसे, तो इनको फोड़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बारीक कर लिया है पाउडर, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको हम फेंटेंगे धीरे धीरे, जैसे इसका ना लम्स नहीं रहे बिल्कुल भी, एकदम मेल्ट हो जाए उस हिसाब से। तो इसको थोड़ा बनाने से थोड़ा सा हमारे पास ना ये नहीं है इसके लिए, अभी क्या है ना इससे बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इसको बनाने से क्या है ना थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है, कि इसको हम थोड़ी देर कर लेंगे, फिर इसको रेस्ट करने को रख देंगे, फिर हम बनाएंगे, फिर इसको रेस्ट, ऐसे इसका बेब क्रीम बनता है। और अभी इसमें हम डालेंगे दूध, और इस पे ज़्यादा मतलब दाब से नहीं करना है, एकदम स्मूथ स्मूथ हाथ से इसको फेंटना है। तो इसको कम से कम हमको 6-7-8 मिनट लग गए ये क्रीम बनाने के लिए, क्योंकि इसको हमने बनाया, फिर इसको फ्रिज में रखा, फिर इसको बनाया, फिर फ्रिज में, तब जाके ये बनी। अगर हमारे पास हैंड मिक्सर होता है ना, उससे 3-4 मिनट में बन जाती है ये, अच्छे से फूल के ऊपर आ जाती है, एकदम हल्की हो जाती है, अले हाथों से थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम इसको बना लेते हैं पहले, अभी ये एक बनी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि ये बन जाती है ना तो एकदम फोम के जैसी हो जाती है हल्की सी। तो अभी इसको हम रख देंगे फ्रिज में, फिर हम इसका प्रोसीजर फिर से करेंगे, क्योंकि इसको 7-8 मिनट तो जाएगा ही बनने में। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम छोटी वाली पेस्ट्री, तो मैंगो वाली बनाएंगे, तो ब्रेड ब्रेड से बनाएंगे हम, न कढ़ाई न बोलते कढ़ाई न अपना ओटीजी कुछ नहीं है, हम खाली ऐसे ही सादा 5 मिनट वाली बनाएंगे। तो जो ब्रेड का है ना, इस साइड से निकाल देंगे जो इसकी किनारी है, और ब्रेड हमने बड़ा वाला लिया है। इससे भी बड़ा आता है, वो भी ले सकते हैं आप। तो ये हम चारों तरफ से हम निकाल देंगे इसका, ऐसी सारी ब्रेड हमने काट ली है इस हिसाब से। और ये हमने लिया है दूध, और इसमें हम डालेंगे शक्कर। इसमें हम शक्कर में और पानी में डाल के हम मैंगो भी कर सकते थे, लेकिन उतना हमने नहीं किया है, शॉर्टकट में बनाया है। तो बस इसको घोल लेंगे शक्कर को, और देखो हमारा क्रीम बन के तैयार हो गया है, ये देखिए एकदम हल्का। तो हमारे पास ये तो है नहीं है ब्रेड बनाने वाला ट्रे, क्योंकि वो लेने को मैं गई नहीं, क्योंकि अपना घर में ही खाना है, किसी को देना नहीं। तो ये हम थोड़ा सा क्रीम नीचे लगा देंगे, जिससे हमारी ब्रेड जो है ना फिसले नहीं, वैसे भी इस पे फिसलेगी नहीं। और अभी ये ब्रेड रख के इसमें हम दूध और ये शक्कर का जो बनाया है हमने, इसको डालेंगे चारों तरफ से, क्योंकि ब्रेड जो है ना वो गीला करना है। और उसके बाद इसके ऊपर हम ये क्रीम लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक ब्रेड और ले लेंगे, फिर
वही प्रोसीजर करेंगे। और इसमें आप जैसे पाइन एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, तो उसका भी कर सकते हैं। अभी ब्रेड लगाया, इस पर हमने मैंगो के पीस रख दिए, उसके बाद हमने व्हिप क्रीम लगाया, उसके बाद फिर ब्रेड लगाया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह से तो क्रीम है ना, क्रीम एकदम हल्की हो गई है। फिर से हम वही क्योंकि हमने 6-7 ब्रेड लिया था, फिर हम क्रीम लगा देंगे इसमें। और मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है आप लोग को तो प्लीज़। तो ये देखिए हमारा बन गया है छोटा सा स्मॉल सा केक। अभी हम इस पर डेकोरेट करेंगे, डेकोरेशन अपना मैंगो का कर देते हैं। वैसे भी वो भी रखा हुआ था केक वाला के लिए, वो हमने डाला नहीं इस पर, तो ये छोटी सी चेरी लगा देंगे। ऑलमोस्ट रहती है ब्रेड के ऊपर, और हम मैंगो से क्योंकि मैंगो फ्लेवर नहीं दिया है हमने इसका, तो इसलिए हम इसको ऊपर से ही मैंगो लगा देंगे। मैंगो फ्लेवर के लिए कुछ नहीं, शक्कर और अपना मैंगो के पीस उसमें डाल दो और थोड़ा सा उसको गर्म करो, और फिर उसमें जैसे हमने दूध और ये शक्कर का लगाया है उस हिसाब से उसका लगा दो, तो वो मैंगो फ्लेवर कोई भी फ्लेवर का रहेगा तो वो ऐसे ही लगता है। तो हम चारों तरफ से लगा देंगे। तो ये देखिए, और हमने साइड से भी और भी इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए बगैर कढ़ाई, बगैर माइक्रोवेव के, और 5 मिनट में बनके तैयार हो गई हमारी छोटी सी स्मॉलर सी पेस्ट्री। तो चलो मिलते हैं आपको दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।